देहरादून नगर निगम क्षेत्र के नकरंदा गांव में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। बीते रोज भी भारी पुलिस बल व जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस भूमि पर फेंसिंग का कार्य शुरू किया गया है। इस बीच प्रशासन द्वारा प्लांट के विरोध में उतरे दर्जनों स्थानीय लोगों व कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने डोईवाला चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन कर सरकार पर हठधर्मी का आरोप लगाया। आज भी स्थानीय लोगों द्वारा प्लांट के विरोध में सरकार का पुतला दहन कर इस प्लांट को अन्य जगह बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव सिंह व बुद्ध देव सेमवाल ने कहा कि यह प्लांट नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि आबादी क्षेत्र से 500 मीटर दूरी तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा नकरंदा को प्राकृतिक जल स्रोतों से भी जाना जाता है और अगर यहाँ पर प्लांट बनाया जाएगा तो प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी खतरा मंडरा सकता है। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र के पानी से डोईवाला क्षेत्र के दर्जनों गांव की कृषि भूमि को सींचा जाता है और ये प्लांट बनने से लोगों के घरों में लगे हैंड पंपों पर दूषित पानी आएगा। इससे यहाँ की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, बस स्थान बदले जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इस प्लांट को यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है, ताकि प्लांट भी बन जाए और आबादी क्षेत्र को भी इसका कोई नुकसान ना हो। एक मांग है कि जो स्थल इस एसटीपी के लिए चयनित किया गया है उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए, और उसका मुख्य कारण यह है, एक तो इसका जो नियम है कि आबादी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी इसकी होनी चाहिए, ये मात्र 50 मीटर की दूरी पर यह एसटीपी बन रहा है, और जहां पर यह एसटीपी बन रहा है वहां पर जल स्रोत है, वो जल स्रोत अगर सूखेंगे तो कहीं ना कहीं कल को पीने के पानी की समस्या इस पूरे क्षेत्र में आई, और नकरंदा क्षेत्र अपने जल स्रोतों के लिए माना जाता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ये जबरदस्ती कर रही है, जबकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जगह भी है जहाँ पे आराम से ये एसटीपी बनाया जा सकता है और वो आबादी से भी दूर है और सबकी सहमति है, यहाँ पर एसटीपी का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ स्थल चयन का विरोध है, और जो अगर क्षेत्रवासी कोई विरोध करेंगे तो हम लोग तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ हैं, और जब तक ये यहाँ से स्थल का चयन नहीं होगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमने यहाँ पे जबरदस्ती काम चला रहा है, इतना विरोध करने के बावजूद भी यहाँ पे हमारी महिलाएं 2 साल से विरोध कर रही हैं, हम विरोध में हैं, यहाँ पे जबरदस्ती काम किया जा रहा है, इतने विरोध के बावजूद भी यहाँ पे हमारे जंगली जानवर हैं, हमारे पालतू जानवर हैं, ये हमारा पानी का स्रोत है, यहाँ पे हमारा आगे लच्छी वाला पिकनिक स्थल भी है, यहाँ पे पूरी गंदगी नीचे पानी बह के लच्छी वाला जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि जरा ये चेंज करा दें, यहाँ से स्थल चेंज करा दें, यहाँ पे नज़दीक बस्ती है, यहाँ पे सब लोग विरोध कर रहे हैं इसके बारे में, इसलिए ये थोड़ा शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं हम लोग मत बनाओ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जरा यहाँ से शिफ्ट करा दो दूर, जहाँ मोहल्ला कम है, पब्लिक कम है वहाँ पे। धन्यवाद। सरकार ने तानाशाह तरीके से हमारे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी की है और हमें जबरदस्ती शांतिप्रिय तरीके से चल रहे आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश की और हमारी गिरफ्तारियाँ की गई, उसके विरोध में आज क्षेत्रीय जनता ने पुनः आज उत्तराखंड सरकार का एक पुतला फूंका है। हमारी मुख्य मांग है, हमारी सरकार से एक ही तो मांग है, हम सरकार से निरंतर एक मांग कर रहे हैं कि हम प्लांट का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिवरेज जो प्लांट है स्थान चयन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये सिवरेज प्लांट बन रहा है वो पेयजल की दृष्टि से दुलोनी नदी है, और वर्तमान में आप देखेंगे, आप कैमरे में जरूर इसको फोकस कीजिए कि वो नदी है जहाँ स्वतः जल जमीन से उगलता है, और यही जल हमारे लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट को जाता है, यही जल हमारा बुल्ला वाला तेली वाला मारखम ग्रांड के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जाता है। अगर ये प्लांट यहाँ पर बनता है तो निश्चित यहाँ का जो पेयजल भूभाग भूगर्भ है ये नकरोंदा का पूरा दूषित हो जाएगा, क्योंकि नकरोंदा अपने आप में एक वाटर लेवल क्षेत्र है और यहाँ से पूरे उत्तराखंड को पानी पेयजल से जोड़ा जा सकता है, ये वो स्थान है नकरोंदा। अगर यहाँ पर ये सूर्य प्लांट बनता है तो निश्चित यहाँ के जितने भी आबादी के हजारों हैंडपंप है वो गंदा दूषित पेयजल उगलने को मजबूर होंगे, और जनता को मजबूर अपने घर और खेत खलिहान छोड़कर यहाँ से बगैर ताले लगा के गांव खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो परिणाम आपने देखे हैं, आपने मथुरा वाला का जो सूर्य प्लांट है वो हमारी सुषमा नदी को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यही परिणाम इसके होने हैं।